मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को कविता में कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहते एक कवि नदी किनारे खड़ा था, तभी वहाँ से एक लड़की का शव नदी में तैरता हुआ जा रहा था। तभी कवि ने उस शव से पूछा, कौन हो तुम उस कुमारी बह रही नदियों के जल में, कौन हो तुम उस कुमारी बह रही नदियों के जल में, कोई तो होगा तेरा अपना मानव निर्मित इस भूतल में, किस घर की बेटी हो, किस घर की बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम, किसने तुमको छला है बोलो, क्यों दुनिया छोड़ चली हो तुम, किसके नाम की मेहंदी बोलो हाथों पर रची है तेरे, बोलो किसके नाम की बिंदिया माथे पर लगी है तेरे, लगती हो तुम राजकुमारी या देवलोक से आई हो, उपमा रहित ये रूप तुम्हारा ये रूप कहाँ से लाई हो। दूसरा दृश्य, अब शव बोलता है, वो जो बिटिया की लाश है वो बोलती है। कवि की बातें सुनकर लड़की की आत्मा बोलती है, कवि राज मुझे क्षमा करो, गरीब पिता की बेटी हूँ, इसीलिए मृतमीन की भांति जलधारा पर लेटी हूँ, रूप रंग और सुंदरता ही मेरी पहचान बताते हैं, रूप रंग और सुंदरता ही मेरी पहचान बताते हैं, कंगना चूड़ी बिंदिया मेहंदी सुहागन मुझे बनाते हैं, पिता के सुख को सुख समझा, पिता के सुख को सुख समझा, पिता के दुख में दुखी थी मैं, जीवन के इस तनहा पथ पर पति के संग चली थी मैं, पति को मैंने दीपक समझा उसकी लौ जली थी मैं, माता पिता का साथ छोड़कर उसके रंग ढली थी मैं, पर वो निकला सौदागर लगा दिया मेरा भी मोल, पर वो निकला सौदागर लगा दिया मेरा भी मोल, दौलत और दहेज की खातिर पिला दिया जल में विष घोल, दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं, जिसको मैंने माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं, ईश्वर से अब न्याय मांगने शवशैया पर पड़ी हूँ मैं, ईश्वर से अब न्याय मांगने शवशैया पर पड़ी हूँ मैं, दहेज के लोभी इस संसार में दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं, दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं, दहेज की भेंट चढ़ी हूँ मैं। ये जो दहेज के पीछे अपनी बहुओं को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनका भी बुढ़ापा आएगा, उनकी भी बेटियां हैं, किसी के साथ बुरा करके हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। और जिस बहू को पूरा जीवन परेशान करते हैं, तंग करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, बुढ़ापे वही उनका सहारा बनती है, लेकिन फिर भी क्या करें, लोगों की आँखें नहीं खुलती हैं। तो आप लोगों को ये कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।